back to my YouTube channel Gypsy Escape. My name is Annie, and if you are seeing this face for the very first time, please take a moment to subscribe to my channel and do hit the notification bell button to be notified every time a new video drops here on this channel. And this video was long overdue. I shopped for my wedding in Delhi, October 2023 and September 2023. I wanted to make a video as soon as I was done with the shopping, but then I was like, dude, I need to show how the outfits look and everything. Then I was like, main shaadi ke kuch time baad kar dungi. But bahut zyada, you know, hectic ho jata hai, and abhi 2 months bhi nahi hue shaadi ko, and today I have a function to attend. So I was like, finally main taiyar hui hu. So I'll shoot this video. Now Chandni Chowk for wedding shopping is the most hyped place in Delhi. And I stayed in Delhi for almost 3 years. तो मैं वहाँ गई हूँ 2-3 बार. But I knew for the fact कि वहाँ पर मेरी taste के outfits नहीं है. And मुझे Delhi में जाना था 3 outfits shop करने. The first was for my bangle ceremony, then for my mehndi and for my jago. अब इन 3 outfits के लिए जो budget मेरे mind में था was अराउंड 20-30 के बीच में पर आउटफिट. द रीजन आई एम टेलिंग द बजट इज बिकॉज मैं जितने भी डिजाइनर्स एंड मार्केट्स का बताऊंगी ना, उसमें दिस विल बी अ क्रिटिकल फैक्टर कि इस बजट में आपको वहां पर कौन से डिजाइनर्स मिल सकते हैं. अगर आप इस मार्केट जा रहे हो तो आपको कितना बजट रखना है. नाउ यू विल थिंक, अगर मैं चांदनी चौक के बारे में बात नहीं कर रही हूँ तो मैं कौन सी मार्केट्स के बारे में बताऊंगी. नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ मार्केट्स इन दिल्ली, एंड If you take my opinion, आपका जो भी budget है ना, अगर आप चांदनी चौक के अलावा भी Delhi में अपनी wedding shopping करते हैं तब भी आपको बहुत सारे designers मिल जाएंगे. And वही सारा कुछ मैं आपके साथ share करूंगी. End of the video में कुछ tips भी होंगी. अगर आप Delhi से नहीं हो and you want to go for your wedding shopping in Delhi, तो आपको क्या चीजें अपने mind में रखनी चाहिए before and during the shopping. सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड. टाइम स्टैम्प्स भी होंगे. अगर आपको स्पेसिफिक मार्केट्स के बारे में जानना है तो आप वो भी जान सकते हो. दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. नाउ बिफोर आई टॉक अबाउट द मार्केट्स एंड वी गेट टू द चूज ऑफ द वीडियो, आई वुड लाइक टू से अ ह्यूज थैंक यू टू माई फ्रेंड आशी. लाइक शी स्टेज इन गाजियाबाद एंड मैं उसी के पास रुकी थी जितना टाइम भी मैं डेली में शॉपिंग कर रही थी एंड जितनी बार भी मैं डेली में गई हूँ. एंड शी वॉज देयर थ्रू आउट द होल प्रोसेस. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट वेडिंग शॉपिंग, यू एक्चुअली नीड समवन जिसको आप ट्रस्ट कर सको थ्रू आउट द होल प्रोसेस बिकॉज मैरिज एंग्जाइटी इज रियल. एंड शी हेल्प मी इन एवरी वे दैट शी कुड, एंड आई कुडंट हैव डन दिस होल शॉपिंग एंड मैं इतने अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाती if it wasn't for her, and it means a lot to me, so I had to put it out there. That being said, let's get started with the first market jo maine explore ki, which was the Delhi Haat INA ya Delhi Haat INA. So Delhi Haat INA mein jaane ke liye aapko pink line ya yellow line leni padegi, and mujhe gate number nahi yaad, but aap jaise hi bahar nikalte ho metro se, you have to walk for few meters and you will see a huge board of Delhi Haat INA. Enter करने के लिए आपको 30 rupees ticket देनी पड़ती है, and enter करके you will see a whole different vibe of the market. Like you name it, वहां पर इतनी सारी चीजें हैं, from pretty dupattas, जो मैंने भी लिया था. I took a red color का dupatta जिसके बारे में बात करूंगी. तो एंटर करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे यू विल सी शॉप्स सेलिंग दुपट्टास एंड सूट्स लाइक फुलकारी एंड एम्ब्रॉयडर्ड सूट्स, तो आप वहां से भी ले सकते हैं. एंड देन एज यू एंटर अनदर लेन टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, तो आपको बहुत सारी सिल्वर ज्वेलरी की मिलेंगी एंड जूड़ा पिन्स आप वहां से ले सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, कॉटन शर्ट्स एंड यू नो सम कम्फी वेयर, वो सारी चीजें आपको मिल सकती हैं. बट अगर आप वेडिंग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं फॉर डेली हार्ट INA, सो आई सजेस्ट आप वहां से दुपट्टास ले लो, 1-2 सूट्स ले सकते हो आप वहां से. अपार्ट फ्रॉम दैट, एज यू एक्सप्लोर द मार्केट आपको कारपेट्स वगैरह भी मिलेंगे. बट सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट वेडिंग शॉपिंग, सो आपको जितनी चीजें मिल सकती हैं उनको मैंने पहले ही मैंशन कर दिया है. उसके अलावा हाँ, आपको घर का थोड़ा सामान लेना है, डेकोर पीसेज ये सारे, तो वो भी आपको मिल जाएंगे. एंड टॉकिंग अबाउट द प्राइस रेंज, डेली हार्ट INA में ऐसा कुछ फिक्स प्राइसेस नहीं होता. यू कैन बार्गेन अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी हैं. लाइक फॉर द ज्वेलरी पीसेस जिनकी मैं बात कर रही थी,
द कॉस्ट कुछ शॉप्स जो हैं 600-700 भी बोलेंगे, बट द राइट प्राइस रेंज इज एनीवेयर अराउंड 300-400, उससे ज्यादा आप बिल्कुल पे मत कीजिए। अगर आपको शॉप्स मिली है जो 600-700 कोट कर रहे हैं, जस्ट लीव देम, आगे जाओ, आपको सेम पीसेस आगे भी मिल जाएंगे। टॉकिंग अबाउट द दुपट्टा, लाइक मैं जब दिल्ली हाट INA गई थी, मेरा मेन एम ही वो था। आई सॉ कोमल पांडेज वीडियो एंड शी गॉट अ प्रिटी ब्यूटिफुल दुपट्टा फ्रॉम दिल्ली हाट INA, एंड मुझे वैसे ही कुछ लेना था टू वेयर विद अ नॉर्मल एंड बहुत सिंपल सा सूट लेके उसके ऊपर वो हैवी दुपट्टा मैं डाल पाऊँ, एंड दैट इज वॉट आई डिड इन वन ऑफ द फंक्शंस। तो मैंने डाला था वो वाला दुपट्टा एंड इट वॉज अमेजिंग। उसका कॉस्ट मुझे पड़ा था 1100 रुपीज। सो दुपट्टा का कॉस्ट जो है वो 800 से स्टार्ट होके इट गोज अप टू 2000 and 2500 के आसपास भी बेस्ड ऑन द एम्ब्रॉयडरी। नाउ आफ्टर दिल्ली हाट INA मार्केट, द सेकेंड मार्केट विच आई एक्सप्लोर्ड वॉज द छतरपुर एंड धनविल वाला एरिया। नाउ ये वो एरिया है जहां पर सारे पॉश डिजाइनर्स हैं, एंड मैं जब गई थी आई वाज लाइक यार मुझे पता है मुझे इस अपने बजट का कुछ नहीं मिलना, बट व्हेन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग ऑनलाइन तो मुझे 2-3 डिजाइनर्स मिले जो काफी बजट में मेरे बैठ रहे थे, एंड दे हैड प्रिटी सूट्स एंड लहंगास जो मेरी प्राइस रेंज के अंदर ही आ रहे थे, एंड दे वर इन धनमिल एरिया। तो आई वॉज लाइक आई नीड टू ट्राई इट आउट वंस। सो धनमिल या छतरपुर वाले एरिया जाने के लिए आप कुतुब मीनार या फिर छतरपुर वाली मेट्रो ले सकते हो, एंड येलो लाइन पे है, एंड वहां पर आप उतर के ऑटो विल कॉस्ट अराउंड 70-80 रुपीज, एंड दे विल ड्रॉप यू धनमिल वाले एरिया में। नाउ उस एरिया में एंटर करके द फर्स्ट थिंग विच आई नोटिस वॉज ओ माई गॉड ऑल द लग्जरी कार्स, बिकॉज वहां पर डिजाइनर्स ही ऐसे हैं। बट आई स्ट्रेट वेंट टू सुरीना चौधरी। नाउ सुरीना चौधरी इज ऑल्सो लग्जरी डिजाइनर, बट उनके पास जो सूट्स थे ना उसकी रेंज 20-30K के आसपास थी, एंड आई वॉज थिंकिंग दैट मैं अपनी बैंगल सेरेमनी पे जो है आई वेयर अ नाइस सूट जिसकी स्लीव्स ऑब्वियसली थोड़ी पीछे हूँ। आई डिड ट्राई 2 सूट्स फ्रॉम देम, बट और मुझे बहुत एक्चुअली पसंद आए थे, बट एट द सेम टाइम आई वॉज लाइक यार मुझे ना ये थोड़ा सा अंडर ड्रेस लग रहा है, सो इसलिए आई डिड नॉट बाय फ्रॉम देम। एंड आफ्टर सुरीना चौधरी आई वेंट टू ओगान। सो ओगान इज लाइक अ मल्टी डिजाइनर स्टोर, तो वंस यू एंटर द स्टोर देयर इज अ कैफेटेरिया एज वेल एंड अ लॉट ऑफ डिजाइनर्स, सो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बट जो जिनके स्टोर्स हैं अंदर ओगान के अंदर वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेंगे, बट एट द सेम टाइम जब आप फर्स्ट फ्लोर पे जाते हो देयर आर अ लॉट ऑफ डिजाइनर्स जिनके आउटफिट्स बाहर इस तरह से हैंग हुए होते हैं, तो अगर आप उनको एक्सप्लोर करोगे तो आपको बहुत सारे क्वर्की एंड यू नो डेस्टिनेशन वेडिंग वर्दी काइंड ऑफ आउटफिट्स मिल जाएंगे। हाउएवर मुझे ओगान में अपनी पसंद का कुछ नहीं मिला, सो आई वेंट टू मुलमुल। नाउ मुलमुल बहुत फेमस है ऑनलाइन, अगर आप सर्च करोगे उनके बहुत सुंदर कपड़े होते हैं, लाइक द एम्ब्रॉयडरी ऑन इट एंड द कलर्स बहुत सुंदर, लाइक जैसे मुझे आउटफिट्स पसंद है, एंड दे आर ऑन अ बिट हायर रेंज, बट मेरे बजट के अंदर बैठ रहे थे कुछ आउटफिट्स, सो आई हैड फाइनलाइज्ड फ्यू लहंगास फ्रॉम देयर जो मैं सोच रही थी अपनी मेहंदी पे डालूंगी। ग्रीन कलर के थे जो मैंने ऑनलाइन पसंद किए थे, एंड आई वॉन्टेड टू सी हाउ दे लुक इन रियल। नाउ मुलमुल में क्या प्रॉब्लम थी इज कि वहां पर कस्टमाइजेशन पॉसिबल नहीं है, एंड इवन साइज कस्टमाइजेशन पॉसिबल नहीं है। एंड जिस स्टोर में मैं गई थी ना, आई डोंट नो, वहां पर मे बी साइजेस अवेलेबल नहीं थे, काफी चक्कर था साइजेस का, सो आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइज, तो वहां पर ये जरूर इश्यू था। तो मुझे कुछ चीजें जो पसंद आ रही थी उनके मे बी साइजेस अवेलेबल नहीं थे, या फिर उनकी वो कस्टमाइजेशन नहीं कर रहे थे साइज के अकॉर्डिंग। एक दो स्टिचेस देवर लाइक हम थोड़ी सी स्टिचिंग करके जितना ठीक हो सकता है कर सकते हैं, बट फ्रेश पीस नहीं बनेगा, सो मुलमुल में ये चक्कर है। हाउ एवर वहां पे जो काम है वो इतना सुंदर है, वहां पे जो पीसेस है बहुत सुंदर है, सो आई ट्राइड मल्टीपल पीसेस। ग्रीन कलर का एक लहंगा मैंने ट्राई किया था, एंड देन देयर वाज अ ब्लू कलर लहंगा विच आई ट्राइड। ब्लू कलर का मुझे और मेरे घर वालों को सबको बहुत अच्छा लगा था। नाउ उसका जो ब्लाउज है वो आपको अलग बनाना पड़ता है, विच इज अपार्ट फ्रॉम द कॉस्ट, तो उसका कॉस्ट ऑलरेडी आई गेस 23,000 के आसपास था, उसके अलावा आपको ब्लाउज खुद बनाना पड़ेगा। देन आई ट्राइड अ पर्पल कलर का लहंगा एंड थोड़ा सा मिनी कुर्ता जो उसके साथ था, एंड आई इंस्टेंटली फेल इन लव विद दैट आउटफिट, एंड वो बजट रेंज के अंदर भी था, बट
आई फाइनलाइज दैट फॉर माई जागो एंड आई वॉज लाइक ये पूरा सेट बैठता है, आई कैन वेयर अ नाइस फुलकारी विद इट एंड ये पूरा थीम के साथ जाएगा जैसा मैंने अपने माइंड में अपना लुक प्लान किया हुआ है. सो उसमें थोड़ा सा साइजिंग का इश्यू था, टाइट करना था उसे, वो उन्होंने कर दिया एंड दे डिलीवर्ड इट स्ट्रेट टू माई होम विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट. सो दैट इज अ ग्रेट थिंग अबाउट मुलमुल. सो आई हाईली सजेस्ट दिस थिंग एज वेल कि अगर आपको कोई भी डिजाइनर ऐसा मिलता है जो आपको घर पे शिप कर सकता है, सो डू दैट. क्यों आपको इतना कुछ हैवी लेकर जाना है? सो वो चीज हमने शिप करवा दी. आफ्टर मुलमुल आई वेंट टू पर्नियस पॉप शॉप विच इज नियर कुतुब मीनार एंड धनमिल से हमें 80 rupees लगे. आई बुक थ्रू एन ओला, तो ओला के थ्रू ऑटो बुक किया एंड आई रीच पर्नियस पॉप शॉप. नाउ दैट इज द प्लेस विच मेड मी फील लाइक ओ गॉड, मेरे पास बजट क्यों नहीं है, बिकॉज इतने सुंदर आउटफिट्स हैं. नाउ पर्नियस पॉप शॉप में मुझे लगा था, बिकॉज मैंने जब ऑनलाइन देखा था, देयर वर अ लॉट ऑफ बजट फ्रेंडली आउटफिट्स एज वेल. बट वेन आई वेंट टू द शॉप, वहां पर जो है उस स्टोर में सिर्फ और सिर्फ हाई एंड वाले आउटफिट्स ही मिलेंगे. सो कीप दैट इन माइंड. दे वर टेकिंग द ऑर्डर्स फॉर ऑनलाइन, दे वर लाइक हम आपकी साइजिंग लेकर हम ऑनलाइन वाला जो भी आपको आउटफिट पसंद है वो बुक कर सकते हैं. बट आई वॉन्टेड टू सी द आउटफिट इन रियल, आई वॉन्टेड टू ट्राई एंड सी हाउ इट लुक्स ऑन मी. सो आई हैड टू ड्रॉप पर्नियस पॉप शॉप एंड विद अ हैवी हार्ट आई जस्ट केम आउट ऑफ द शॉप. नाउ आफ्टर पर्नियस पॉप शॉप आई वेंट टू स्टूडियो आयरिस. नाउ स्टूडियो आयरिस धनमिल के पास नहीं है बट ऑपोजिट एंड में, सिंस हमें मेट्रो लेनी थी तो इसीलिए हमने लास्ट में स्टूडियो आयरिस को कवर किया. नाउ स्टूडियो आयरिस के ऊपर बहुत सारे लहंगास हैं एंड दे आर एक्चुअली फेमस फॉर लहंगास. तो उनके लहंगास जो हैं स्टिल वो थोड़े से बजट में रहते हैं अगर आप एवरेज कॉस्ट देखो जो लहंगास के आपको पड़ जाते हैं. एंड बहुत सारे बनारसी सिंपल सोबर लहंगास भी थे वहां पर. सो व्हेन आई वाज ट्राइंग, जो उन्होंने ट्रायल के लिए लगाए हुए थे आउटफिट्स, सो दे वर सिंगल साइज, सो मुझे उनका ब्लाउज वगैरह नहीं आ रहा था, तो मुझे पता नहीं लग रहा था मेरे ऊपर फुल आउटफिट जो है वो कैसा लगेगा. दे डू प्रोवाइड कस्टमाइजेशन, सो आपके साइज के अकॉर्डिंग पूरा आउटफिट बनेगा. दैट इज अ प्लस पॉइंट. इवन बजट इज अ प्लस पॉइंट. सो ये सारी चीजें अच्छी थी. बट व्हाइल आई वाज ट्राइंग द आउटफिट्स, मुझे लगा यार मैं अपनी मेहंदी के लिए ना बहुत हैवी आउटफिट सोच रही हूँ, जबकि बहुत क्लोज नेट फंक्शन होने वाला है. ऑन दी अदर हैंड जो मेरी बैंगल सेरेमनी है उसमें गैदरिंग जो है 50-60 की होगी एंड उसमें आई एम थिंकिंग अबाउट अ सूट. सो दैट इज व्हेन आई हैड अ चेंज ऑफ माइंड एंड आई वाज लाइक व्हाट आई विल डू इज आई विल शॉप फॉर माय बैंगल सेरेमनी फॉर अ लहंगा एंड मेहंदी के लिए जो है आई विल लुक फॉर अनदर इंडो वेस्टर्न पीस. सो वो करते करते स्टूडियो आयरस से आई केम आउट, बिकॉज मुझे अब बैंगल सेरेमनी के अकॉर्डिंग कुछ आउटफिट पसंद नहीं आ रहा था वहां पर. सो आई केम आउट ऑफ द शॉप. नाउ बाय द एंड ऑफ डे टू सिर्फ एक आउटफिट फाइनल हुआ था विच वॉज माई जागो आउटफिट. नाउ कमिंग टू डे थ्री, डे थ्री पे आई वेंट टू साउथ एक्स एंड साउथ एक्स जो है वो पिंक लाइन पे है एंड मेट्रो से बाहर निकलते ही यू विल सी द होल मार्केट एंड इट्स अ फुल फ्लेश्ड मार्केट जहाँ पर मेट्रो लाइक यू कैन गेट योर शूज, यू कैन गेट ज्वेलरी एंड बहुत सारे शोरूम्स हैं वहाँ पर. एंड देन देर इज द फेमस कालकी स्टोर एंड कालकी का तो आपको दूर से ही होर्डिंग दिख जाएगा एंड दैट इज द स्टोर वेयर आई वेंट, बिकॉज कालकी के पीसेस बहुत सुंदर होते हैं एंड वो बजट में भी मिल जाते हैं. लाइक इफ आई गिव यू एन एवरेज प्राइस रेंज जो आप कालकी में अगर आप शॉपिंग करना चाहते हो इज अराउंड 25k एंड स्टार्टिंग जो होती है ना वो 15k से भी स्टार्ट हो जाते हैं एंड गुड पीसेस. ऑल्सो दे प्रोवाइड अ साइज कस्टमाइजेशन अकॉर्डिंग टू यू, वो कस्टमाइजेशन के लिए आपको बुलाएंगे एंड आफ्टर दैट यू कैन गेट द आउटफिट शिप्ड एज वेल, बट उसके चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं. सो व्हेन आई वेंट टू कालकी स्टोर आई डोंट थिंक सो मैंने उसका कोई शूट वगैरह किया बिकॉज अंदर कैमराज वगैरह वो अलाउ नहीं कर रहे थे अंटिल एंड अनलेस यू शॉप फ्रॉम देम. तो जब मैं अंदर गई सो आई हैड अ लुक एट ऑल द आउटफिट्स. सो फर्स्ट फ्लोर पे भी है, सेकेंड फ्लोर पे है, सो डिफरेंट फ्लोर्स. सो आई वॉज ऑन द ग्राउंड फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर पे देर वर गाउन्स एंड देर वर इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स एंड अ लॉट ऑफ लहंगास एंड कलर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने अरेंज किए हुए थे. सो आपके फंक्शन का जो भी थीम है आप उसके अकॉर्डिंग शॉप कर सकते हो. सो आई वॉज लुकिंग फॉर अ लहंगा फॉर माई बैंगल सेरेमनी, वो मेरे माइंड में था.
So I started trying out the lehengas, alag alag lehengas try kiye, and then I found the one which I finalized, a very pretty green color ka, and uska blouse green color ka tha, and uske upar coins lage hue the. Bahut sundar outfit tha. I loved the blouse of that. So uske baad maine apni measurements di, and they gave me 20 days, yeah, around 20 days ki timeline, and they were like, it would be good if you can come and try it once, and uske baad hum isko ship kar denge, ya fir agar aap saath lekar jana chaho. Otherwise, what they were saying was ke hum bana ke aapko aise ship kar denge. But obviously, I didn't want to take a risk, so I came back later and tried the outfit and got it shipped. And this was one of my most amazing outfit that I got. I loved the whole fit, and I am even planning to wear the blouse with sari and, you know, mix and match karnekli, because it was a costly outfit. The outfit costed me 33,000. Yes, the outfit was for 33,000, and yeah, so Kalki se maine ye liya, and after that there was another store jo mujhe South X mein try karna tha. Now jo mere paas outfit reh gaya tha lene wala was for my mehndi. Now mehndi ke liye I wanted something quirky, something, you know, Indo-Western, and thoda color scheme thodi different ho, obviously mehndi se match karti ho. So I got to know about this store, Basanti aur Kapde. Yeah, Basanti aur Kapde. So they had a store in South X itself, but opposite to jahan par Kalki hai, uski opposite market mein. So I went to that store, and again वो भी साइज कस्टमाइजेशन नहीं करते हैं, एंड जो आउटफिट्स हैं, जो साइजेस हैं, आप उसी के अकॉर्डिंग ले सकते हो, एंड दे डू शिप द प्रोडक्ट विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट. नौ बसंती और कपड़े में अगर आपको बजट लेकर चलना है, सो इट्स स्टार्ट्स फ्रॉम 8,000 एंड गोज अप टू 20-25,000 फॉर द लहंगास. बट मुझे इंडो वेस्टर्न लेना था, एंड इंडो वेस्टर्न की रेंज यही 8-13,000 के बीच में थी. So I started looking at the outfit. There's another store जो उसी same floor पे बना हुआ है, so आप साथ साथ में उसको explore कर सकते हो. So मैंने outfit already choose कर रखा था अपने phone पे, and I showed them, and thankfully मेरे size का था, and उसमें colors भी पूरे proper थे. Size में थोड़ा सा issue था with the bottom. So for the bottom I asked them कि जितना भी थोड़ा बहुत वो customization कर सकते हैं and फिटिंग कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग वो करते हैं, एंड आफ्टर दैट दे शिप द प्रोडक्ट. हाउ एवर आई हैड अ प्रॉब्लम विद देयर होल शिपिंग प्रोसेस एंड एवरीथिंग, बिकॉज जब वो आया ना तो वो इतना रैंडमली और इतनी अजीब तरह से पैक हो रखा था. फॉर दैट आई पेड 10K. नो डाउट पीपल प्रेज्ड मी फॉर दैट आउटफिट. जो मुझे सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे वॉज फॉर माई मेहंदी आउटफिट. हाउ एवर आई थिंक फॉर अ प्रोडक्ट जिसके लिए आप 10,000 पे करो, I guess it's not even about the money. If you are paying something for a product, you at least want कि वो थोड़ी अच्छी packing में आए. It was like Indian Post पे जैसे पूरा wrap करके बस ऐसे ही भेज दिया है with no branding, nothing at all. So I did raise a complaint with them, and they were like it won't happen again. But yeah, so that was my experience with Basanti aur Kapde. Also, I didn't find the staff there very friendly. Like they were not very entertaining to the customers, so मुझे ये भी complaint है. So if you are going, मैं सारा कुछ पहले ही आपको बता देना चाहती हूँ. Yeah, so with that I was done with my mehndi outfit as well, and my sister also got one outfit from there for my bangle ceremony. Now coming to the fourth market which I explored in Delhi for my wedding shopping, it was the Khan market. Now Khan market के लिए आप purple metro लोगे, and then after coming to the Khan market station, वहां से जो है it's at a walking distance. So the market के आगे huge board लिखा है Khan market का, and इसके लिए जो आपको budget लेकर चलना चाहिए Khan market में shopping के लिए is anywhere around 15K, like 15K onwards. However, there are a lot of shops जो बाहर ही suits display करते हैं. छोटे छोटे shops हैं बाहर, उन्होंने suits display किए होते हैं. इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स भी होते हैं, धोती वाले सूट्स भी होते हैं. सो वो सारे आप देख सकते हो इफ यू आर गेस्ट टू अ वेडिंग. एंड लाइक मॉम को एक सूट पसंद आया था जब मैंने उनको वीडियो कॉल की थी, सो शी गॉट दैट सूट एंड वोर इट टू
माई मेहंदी एंड उसका जो प्राइस रेंज था वॉज 2000. सो उसी के आसपास आपको उन शॉप्स में जो है आउटफिट्स मिल जाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ स्टोर रिधि सूरी, दर्जा बाय रिधि सूरी, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट. उनके आउटफिट्स बहुत सुंदर होते हैं, लाइक द वाइब ऑफ दैट आउटफिट, फ्लोरल आउटफिट्स, द कलर्स आर सच वाइब्रेंट हैप्पी कलर्स, एंड मुझे था कि मुझे वहाँ से कुछ ना कुछ लेना है. हाउ एवर वेन आई वेंट टू खान मार्केट, तब तक मेरे आउटफिट सारे फाइनल हो चुके थे. सो आई डिड नॉट इवन गो टू द स्टोर बिकॉज चेंज ऑफ माइंड, इस तरह से मैं रिग्रेट कर सकती थी कुछ, मैं नहीं करना चाहती थी बिकॉज आई वॉज एनी वे हैप्पी विद माई आउटफिट्स. हाउ एवर अगर आप ऑनलाइन भी उनके डिजाइंस देखोगे, बहुत सुंदर डिजाइंस है, एंड इफ द मैच विथ योर वाइब यू कैन गो एंड शॉप फ्रॉम देयर स्टोर एज वेल. अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज फैब इंडिया, देर इज ऋतु कुमार, ये सारे डिजाइनर्स भी वहां पर आपको मिल जाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज अ मार्क्स एंड स्पेंसर का लॉन्चरी स्टोर इन खान मार्केट, जहां से मैंने अपनी लॉन्चरी शॉपिंग की थी. एंड मार्क्स एंड स्पेंसर एनी वे हैज ग्रेट इनरवेयर्स, सो उनके क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, प्राइस रेंज भी ठीक होती है, एंड इवन वहां पर जो डील कर रहे होते हैं कस्टमर्स को, द लेडी देयर शी वॉज रियली गुड. सो उन्होंने सारे जितने भी डाउट्स थे एंड मुझे जैसे डिजाइन जो भी चाहिए था, शी हेल्प मी विद इट. सो मैंने अच्छी खासी शॉपिंग की थी मार्क्स एंड स्पेंसर से. नाउ दीज आर द फोर मार्केट्स जिनसे मैंने शॉप किया था. हाउ एवर देर इज अ स्पेशल मेंशन फॉर वन मार्केट बिकॉज इसको मैंने एंड में रखा था कि मुझे कहीं से कुछ नहीं भी मिलता ना, आई नो मैं इस मार्केट जाती मुझे कुछ ना कुछ मिल जाता because they have so much variety of designers and for every budget. So the market is Shahpur Jat. Now Shahpur Jat ki jo market hai, it's in like 3-4 lanes and bahut lambi lambi lanes hai. I have been there when I was staying in Delhi. However, main wedding shopping ke liye nahi ja pai wahan par, but I highly suggest agar aapko Chandni Chowk wagaira nahi jana and you want something unique, please go to Shahpur Jat. On your screen there will be a list of designers जिनको आप explore कर सकते हो, and once you open on Google Maps also Shahpur Jat, आपको वहाँ पर भी बहुत सारे designers दिख जाएंगे. But give minimum to minimum one day उसको explore करने के लिए because वहाँ पर हद से ज़्यादा designers हैं. Now apart from all these markets for the outfit shopping, accessories वगैरह के लिए I kept my budget really low because I'm not an एक्सेसरी काइंड ऑफ पर्सन, में इतनी ज़्यादा एक्सेसरीज डालती नहीं. वो तो अभी आई एम न्यूली वेड सो आई एम वेयरिंग ऑल दीज थिंग्स बट आई डोंट वेयर. सो मैंने बजट बहुत मिनिमम रखा था एंड लाजपत एंड जनपत दे डिड द जॉब फॉर मी. एंड इवन मेरी सिस्टर के लिए जितने भी एक्सेसरीज उसको लेनी थी फंक्शंस के लिए, शी गॉट फ्रॉम देयर. इवन माई मॉम फाउंड अ लॉट ऑफ अमेजिंग पीसेस जो मैंने उनको वीडियो कॉल वगैरह की थी. सो या दीज आर द टू मार्केट्स यू कैन एक्सप्लोर फॉर योर एक्सेसरीज एंड ज्वेलरी. हेयर आर सम टिप्स इफ यू आर गोइंग फॉर योर वेडिंग शॉपिंग इन दिल्ली. अगर आप दिल्ली के हो फिर ये टिप्स आपके लिए नहीं है, यू गाइज आर प्रो एट इट एंड यू विल बी मोर एक्सपीरियंस देन मी. बट इफ यू आर समवन हु इज गोइंग टू दिल्ली स्पेसिफिकली फॉर योर वेडिंग शॉपिंग, दीज टिप्स आर रियली गोइंग टू कम हेल्पफुल. द फर्स्ट वन इज, आई डोंट नो व्हाई आई एम काउंटिंग बिकॉज बहुत सारे टिप्स हैं. सो द फर्स्ट वन इज ऑलवेज हैव अ मूड बोर्ड रेडी. पिंटरेस्ट के ऊपर आप अपना मूड बोर्ड बनाओ या फिर आप जिस भी वे से अपने एक लुक बुक रेडी करना चाहते हो वो करो, ताकि आपको आइडिया हो आपको हर इवेंट के लिए क्या आउटफिट्स चाहिए. एंड अगर आपके इवेंट्स की थीम है फिर तो और भी बेटर है. यू नो द कलर स्कीम, यू नो आपको किस वे के प्रिंट्स चाहिए, जो भी चाहिए. सो दीज लुक बुक्स आर गोइंग टू कम रियली हैंडी जब भी आप डिजाइनर्स को फाइनल कर रहे हो. नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन, डिजाइनर्स को फाइनल करने से पहले आप अपना बजट फाइनल करो, देन गो एंड लुक फॉर द डिजाइनर्स. बिकॉज ट्रस्ट मी, दिल्ली में वेडिंग शॉपिंग करना इज टू ओवरवेलमिंग. एंड द बेस्ट थिंग इज यू विल फाइंड समथिंग फॉर योर सेल्फ. इवन अगर आपका बजट 5000 है ना, यू विल फाइंड सम डिजाइनर्स जो उस प्राइस रेंज में आपको आउटफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं. सो फर्स्ट फाइनलाइज योर बजट, then go and search for the designers. Now for me, जो ads होती है ना, they were the best thing. I know our phones track everything and उस basis पे हमें ad recommendations आती हैं. For me, it was
such a huge blessing because once I started searching for it, Delhi jaane se 6 months pehle hi I started searching online. And please do this extensive research online. Aap designer search karo. Find those places on Google Maps. Aapko Delhi mein kaun kaun si market mein wo designers milenge. Save those places and then only go and shop. Another tip is stick to that plan. I know pura stick koi nahi kar paata. Mera bhi plan tha Shahpur jaane ka par nahi hua. However, what I mean by stick to your plan is that once you have got an outfit from a designer, you liked, aapko outfit pasand aa gaya, aapke budget mein, just take it. Because you won't be able to explore everything. Time constraint ho sakta hai. And more than that, agar aap dhoondne jaoge ki isse better mil jaye, mil jayega. However, क्या पता वो डालने के बाद आपको अच्छा ना लगे. So, अगर आपको कुछ मिल रहा है जो आपकी प्राइस रेंज में है, जो आपके थीम के अकॉर्डिंग है, आपकी लाइकिंग के अकॉर्डिंग है, प्लीज गेट इट. यू वॉन्ट रिग्रेट इट. नाउ इफ यू आर गेटिंग समथिंग पर्सनलाइज्ड या फिर आप उसकी फिटिंग करवाना चाहते हो, अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज करवाना चाहते हो, सो ऑलवेज कीप अ टाइम लेस देन 3 weeks देन योर इवेंट. व्हाट आई मीन बाय दैट इज सपोज आप 3 weeks से पहले अपनी फिटिंग करवा आए एंड साइज उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज करवा लिया 1 महीने पहले या 2 महीने पहले, देर आर चांसेस यू मे लूज और गेन वेट. सो उस केस में क्या आपको फिर से उस आउटफिट को अपने अकॉर्डिंग फिट करवाना पड़ेगा. सो 3 weeks से कम के अंदर ही जाके आप अपनी साइज फिटिंग करवाना. दैट इज व्हाट आई डिड फॉर द आउटफिट दैट आई गॉट फ्रॉम कालकी. मैं 3 हफ्ते पहले गई थी इवेंट से एंड तभी जाके मैंने उसको साइज के अकॉर्डिंग कस्टमाइज किया था, साइज चेक करवाया था एंड देन ओनली आई गॉट इट शिप्ड. सो बेस्ड ऑन दिस सी विच आउटफिट्स कैन गेट शिप्ड. अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से नहीं आ रहे हो एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो, वाई वुड यू वॉन्ट टू कैरी सच हैवी आउटफिट्स. अ लॉट ऑफ डिजाइनर्स एंड अ लॉट ऑफ शॉप्स विल अलाउ, विल प्रोवाइड दिस शिपिंग वाली चीज. सम टेक फ्यू ऑफ द चार्जेस, जैसे कालकी वालों ने लिए जबकि इतना महंगा आउटफिट था वो वाला, स्टिल दे टुक सम चार्जेस. बट कि कुछ जो डिजाइनर्स थे उन्होंने नहीं लिए इवन वेन द आउटफिट वॉज फॉर 9 or 10. नाउ विद दैट आई एंड द वीडियो. आई नो इट वॉज अ लॉन्ग लॉन्ग वीडियो, हाउ एवर आई वॉन्टेड टू शेयर ऑल ऑफ माई एक्सपीरियंस विद यू गाइज बिकॉज आई वॉज देयर ऑन द अदर साइड. आई नो हाउ ओवरवेलमिंग इट कैन गेट, स्पेशली एट अ प्लेस लाइक दिल्ली विच इज द वेडिंग शॉपिंग हब ऑफ इंडिया and especially for North Indians actually. So I hope aapko is video se kuch tips and tricks helpful rahi. I hope you guys found something useful. So if you did, please take a moment to share it with the bride to be. Subscribe to my channel, like this video, share your reviews down in the comment section below. Follow me on my social media channels and I'll see you guys next time. Bye bye.